तो गाइस आज की वीडियो में आपको ऐसी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपना रैंक आसानी से पुश कर सकते हो। यार प्लीज से वीडियो पूरी देखते रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के मारे। तो यार टिप नंबर वन की बात करें तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जो लोड आउट है वो रखना होगा। क्या रखना है मैं आपको ये बताता हूँ कि लोड आउट क्या होता है। तो गाइस जो आप पंटी टोकन या स्कैनर लेके खेलते हो उसके लोड आउट कहते हैं। और गाइस जहाँ पे आपको स्कैनर तो कंपलसरी है कि आपको रखना ही रखना है। और गाइस जो पंटी टोकन है इसका यूज है कि आप कभी भी आप जहाँ फैक्ट्री फाइट कर रहे हो या आपको अच्छी लूट चाहिए कभी भी, तो आप बंटी टोकन लगा के बंदे को मार के अपनी लूट ले सकते हो। और बोनफायर काम करती है कि आपको कभी भी इंस्टेंट हेल्थ चाहिए हो, कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है और आपको हेल्थ चाहिए हो, तो आप बोनफायर लगा के हेल्थ ले सकते हो। और अगर सामने एयर ड्रॉप होता है कि आपको अगर बंदों को बुलाना है या बंदे को मारना है कैसे भी करके और आपको किल चाहिए और अच्छी लूट चाहिए, तो आप अपना एयर ड्रॉप मंगवा के उसके नीचे लैंडमाइन लगा के और बंदे उसको देख के आएंगे, आप उनको आसानी से बंदों को मार पाओगे और अपना एयर ड्रॉप अच्छी लूट लूट पाओगे। तो गाइस ये वाली टिप मैं आपको कैसा मैंने बताया कि आप लोड आउट क्या रखो। तो यार जो हमारी टिप नंबर टू है इसमें आपको क्या करना है, आपको पेट कौन सा रखना है और कैरेक्टर कौन सा रखना है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पेट के बारे में। तो पेट में आपको रखना है फैल्को या आपको पेंगुइन रखना है। जो आपको फैल्को करेगा आपको फास्ट लैंड टूर्नामेंट में बहुत ही काम आता है और रैंक मैच में भी। और गाइस जो हमारा पेंगुइन है वो भी बहुत ही काम आता है, उसमें आपको हर एक मिनट में ग्लू वॉल देगा जिसका यूज करके आप आसानी से बंदों को डिफेट कर पाओगे, अटैक कर पाओगे। तो आप इनमें से कोई भी रख सकते हो, मेरे को अच्छा लगता है फैल्को, मेरे पास पेंगुइन नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं रखूंगा, अगर आपके पास हो तो रख सकते हो। तो गाइस जब बात करते हैं करेक्टर के बारे में, इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई भी आपका अगर रश खेलते हो तो रश वाली स्किल्स रखनी है आपको, अगर कैंपिंग करके खेलते हो तो कैंपिंग वाली रखनी है आपको। और गाइस जो मैं बात करूं मैं कौन सी रखता हूं अच्छी सी, तो गाइस सबसे पहले मेरे को सबसे अच्छी लगती है कि आपका बैकपैक बहुत ही जल्द भर जाता है और बंदे कहते हैं यार बैकपैक भर गया और वो कुछ ज़्यादा नहीं कैरी कर पाते, तो उसके लिए आपको रखना है पालोमा की एबिलिटी। और गाइस अगर आप रन करना चाहते हो तेज बंदों को मूवमेंट कर सकते हो करना चाहते हो तो आप कैली के रख सकते हो। और गाइस जो सब भी आप रख सकते हो साथ में, नहीं तो हैकर आई जो आपको इसके क्या कहते हैं इसको रख सकते हो, तो हैकर आई भी एबिलिटी रख सकते हो। और गाइस इसमें से आप कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हो। और गाइस अगर आप अलोक करैक्टर भी यूज़ करना चाहते हो या कई करैक्टर तो उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यार टिप नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको लैंडिंग कहाँ पे करनी है, सबसे मेन बात रैंक मैच स्टार्ट होने के बाद आपको लैंडिंग कहाँ पे करनी है टूर्नामेंट में। तो गाइस आपको लैंडिंग करनी है जहाँ पे जब जहाँ पे अच्छे लूट भी आपको मिले कि आपको आप बंदों को मार पाओ उस लूट से, और जहाँ पे दो या तीन बंदे भी आते हो। गाइस आपको जहाँ पे उतरना है ऑब्जर्वेटरी पे भी आप लैंड कर सकते हो या आपको जहाँ पे भी क्लॉक टावर पे भी लैंड कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पीक या क्लॉक टावर, क्योंकि अभी उस पर इतने बंदे नहीं आते तो जहाँ पे आपको दो या तीन किल भी मिल जाएंगी। मैं जहाँ पे उतरता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉक टावर पे, अगर स्क्वाड में तो वहीं पे ही उतरता हूँ क्लॉक टावर पे, बहुत ही अच्छी प्लेस है, बंदे भी आ जाते हैं दो या तीन और गाइस मेरे को किल भी मिल जाती है और लूट भी मिल जाती है जहाँ पे। तो ऐसी जगह पे आपको लैंड करना है कि जहाँ पे आपको किल भी मिल जाए दो या तीन और गाइस लूट ऐसी मिले कि आप पूरा मैच सर्वाइव कर पाओ। तो यार आपको भी ऐसी ही लूट जहाँ पे प्लेस में उतरना है। तो आपको ये वाली कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बता देना, और गाइस एक लाइक कर देना, एक लाइक बोल रहा हूँ इस बोलने के लिए, और प्लीज़ से एक लाइक कर देना। तो गाइस जो हमारी टिप नंबर फोर के बारे में बात करें कि आपका टारगेट क्या है इसके बाद, तो गाइस इसके बाद आपका टारगेट जो बंदा आपके पास उतरा है, जैसे कि जो बंदा मेरे पास उतरा है इससे इसको मैं सबसे पहले मारूंगा। और गाइस जो भी जहाँ पे उतरा होगा बंदा मैं उसको सभी को मार के एक अच्छी सी लूट करके जहाँ से निकल जाऊँगा। तो गाइस जहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी जहाँ पे बंदे आते हों या आए हों उनको मारना है और सबसे पहले अच्छी लूट करनी है, लूटिंग और जो किल जो भी आपका टारगेट होगा बंदा आएगा जो भी, तो उसको मारने के बाद आपको अच्छी लूट करनी है। तो गाइस जहाँ पे ऊपर का बंदा था इसको मैं पहले मार देता हूँ, तो गाइस देख सकते हो मैंने इसको भी बोर्ड था शायद से या न्यू बंदा था कोई, तो जहाँ पे मैंने इसको भी मार दिया। तो गाइस अच्छी लूट करनी है आप। तो यार टिप नंबर फाइव की भी बात करें तो इसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा जिसका यूज़ करके आप बंदे को मार पाओगे, जोन टू जोन चल पाओगे, कैंपिंग कर पाओगे। तो गाइस जहाँ पे मैं सीधा नेक्स्ट प्लेस हूँ, नेक्स्ट प्लेस जा रहा हूँ, तो गाइस जहाँ पे मैं जाते जाते जहाँ पे मेरे को सामने एक बंदा मिला, तो गाइस इसको मैं मारने के लिए MP40 निकाला, तो इसकी बुलेट थोड़ा रिकॉइल कर रही थी तो मेरे को जहाँ पे बुलेट भी खत्म होगी और मैंने दूसरी गन निकाल के इसको मार दिया। तो आपको भी क्या करना है, अगर आपकी बुलेट एक गन में खत्म हो जाती है आपको दूसरी गन निकाल के मार देना है बंदे को, क्योंकि अगर आपकी 1 HP है तो उसकी भी उतनी ही होएगी तो आप उसको आसानी से मार पाओगे। तो जो इसमें मैं आपको सेकेंड टिप बताऊँ कि आपको क्या करना है, रश करने से पहले ग्रेनेड यूज़ करना है और जहाँ पे
ग्रेनेड जैसे मैं यूज कर रहा हूँ और न्यू ऑप्शन के साथ यहाँ पे बंदे को सीधा डैमेज मिल जाएगा ऐसे यूज करोगे तो। जहाँ पे बंदा नहीं था तो गाइस जहाँ पे देख सकते हो ऊपर मेरे को पैरों की आवाजें आ रही थी, वो दूसरे घर में था, मैंने बाद में मार दिया। तो गाइस उसके बाद करें कि कैंपिंग कैसे करना है, किसी भी घर में जो भी आपके पास लैंड माइन होती है उनका यूज करना है आपको, आप यूज ही नहीं करते गाइस जैसे मैं यूज कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। तो गाइस प्लीज से एक सब्सक्राइब कह रहा हूँ कर देना यार, जहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ से एक सब्सक्राइब कर देना और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा देना, और जिसके पास भी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा प्लीज़ से एक बार अनसब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन दबा दो। और गाइस जहाँ पे आप लैंड माइन लगा सकते हो ऊपर बंदे को दिखेगी नहीं और बंदा जहाँ से धीरे धीरे आएगा उसको जहाँ पे डैमेज पड़ जाएगा। तो यार प्लीज़ से एक लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, जैसे मैं जा रहा हूँ ऊपर बंदा धीरे धीरे आएगा ऊपर की तरफ तो उसको डैमेज मिल जाएगा, मैं भी उसको डैमेज दे दूँ और लैंड माइन भी उसको डैमेज दे देगी। तो यार आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो प्लीज़ से कमेंट में बताना, और यार बहुत ही मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, और एक शेयर भी कर देना प्लीज़ से कह रहा हूँ, तो यार एक शेयर भी कर देना। और गाइस आप जहाँ पे ना कोई लैंड माइन लगा के और ऊपर मेडिकेट भी रख सकते हो, मेडिकेट रख के ऊपर लैंड माइन लगा देना है। तो गाइस जहाँ पे मैं ग्रेनेड से इसको मारने की ट्राई कर रहा था, तो यार प्लीज़ से शेयर कर देना वीडियो को, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय गाइस।